मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। यूपी में बच्चे अब पहली क्लास से ही अंग्रेजी सीखेंगे। बाकी राज्यों में भी स्कूली पढ़ाई पहले ही अंग्रेजी के हवाले हो चुकी है। अब ये अतीत का बोझ हो या भविष्य की जरूरत, अंग्रेजी बाकी भाषाओं पर हावी हो चुकी है। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या अंग्रेजी देश में नई गुलामी की निशानी है? बहस में हिस्सेदारी के लिए एमयूके लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। जवाब के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा पता है muk@ndtv.com। मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चार खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए जाने माने लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव से। इनसे पूछेंगे अंग्रेजी ने कितना आजाद किया, कितना गुलाम बनाया। हमारे दूसरे खास मेहमान अंग्रेजी और हिंदी के पुल पर खड़े जाने माने बुद्धिजीवी आलोक राय। इनसे पूछेंगे अंग्रेजी क्यों आगे बढ़ रही है। हमारे तीसरे खास मेहमान मशहूर लेखक समीक्षक प्रोफेसर सुधीश पचौरी। पूछेंगे हिंदी क्यों पिछड़ रही है। साथ में एक और भाषा संस्कृत के प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र। जानेंगे भाषा के झगड़े में संस्कृत कहाँ है। साथ ही मुंबई से विज्ञापन की दुनिया की जानी मानी हस्ती सुहेल सेठ। और पूछेंगे क्या हिंदी अंग्रेजी की बराबरी कर सकती है। चलेंगे कोलकाता जहां हमारे साथ होंगे संघ परिवार के विचारक तरुण विजय। मुकाबला में कुल मिलाकर चार दौर। तो मुकाबला में बहस, क्या अंग्रेजी हमारे देश में गुलामी की नई निशानी है? अभी अपनी राय लेकर 56388 पर एसएमएस करें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे सुहेल सेठ। और सुहेल, आपसे पहला सवाल है कि मायावती ने फैसला किया है कि अब इसी हफ्ते से यूपी में बच्चों को पहली से ही अंग्रेजी सिखाई जाएगी, क्या इससे बच्चों को लाभ होगा या ये गुलामी की निशानी है? नहीं, देखिए वो जमाना गया जहां की अगर आप अंग्रेजी पढ़ते थे या सीखते थे तो लोग आपको ये कहते थे कि भाई आप अंग्रेजों के चमचे हैं या गुलामी है। आज एक जो रियलिटी है वो ये है कि भाई अगर आपको इस दुनिया में कॉमर्स करना है या एक नौकरी आपको करनी है तो अंग्रेजी जानना बहुत ही उचित है और इट्स नेसेसरी। तो ये कहना कि भाई ये गुलामी का एक सिग्नल है, और देखिए मायावती तो अपनी गुलाम नहीं तो वो अंग्रेजों की क्या गुलाम रहेगी। राजेंद्र जी, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे, ये दौर सुहेल सेठ का है। अंग्रेजी अपने आप में एक स्वतंत्र एक माध्यम है इस समय। किसी जमाने में हो सकता है गुलामी का यानी कारण रहा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी गुलामी का कारण भी थी और उससे लड़ने का हथियार भी थी। हमारे सारे बड़े बड़े नेता अंग्रेजी के माध्यम से ही लड़े हैं। अंग्रेजी गुलामी का भी निशान रही और गुलामी से लड़ने का भी। सुहेल, नहीं देखिए जैसे इन्होंने कहा, मेरा यहां वक्तव्य यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अंग्रेजी ही सिखाई जाए और हिंदी न सिखाई जाए या कोई भी भारतीय भाषा है वो आप न सीखें जी। पर यह कहना कि अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो तब आप गुलाम हैं वो भी गलत है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, नेहरू ने जब 1947 अगस्त 14 की मिडनाइट पे अपनी स्पीच दी वो भी अंग्रेजी में थी ना जी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपने अंग्रेजी में क्यों ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी है जी। और मैं समझता हूं कि आज के एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में, ये कहना कि भाई आप अंग्रेजी न सीखें तो ये एक डेप्रिवेशन है और हमें ये डेप्रिवेशन से दूर रहना चाहिए जी। एक ये बड़ी कमी है, नौकरी चाहिए, कॉमर्स करना है, ये सुहेल कह रहे हैं, तो अंग्रेजी जरूरी है। मुझे लगता है जरूरी है, लेकिन अब मैं ये भी नहीं जानता कि मैं सुहेल सेठ से सहमत हूं या असहमत। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर गुलामी की निशानी यहां है तो वो ये है कि अंग्रेजी को इतना ज्यादा महत्व देना कि या तो वो मेरी गुलामी की निशानी है या मेरी नौकरी का एकमात्र साधन है या मेरी मुक्ति का मूल मंत्र है जी। ये अंग्रेजी को इतना महत्व देना गुलामी की निशानी है। सुहेल, क्या अंग्रेजी को हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं? अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत ज्यादा महत्व एक तरीके से दिया जाता है इस देश में? एकदम गलत, क्योंकि अगर आप टेलीविजन चैनल्स को देखें तो एनडीटीवी इंडिया इतनी प्रभावित चैनल है क्योंकि वो हिंदी में है। तो ये गलत है कि भाई अंग्रेजी को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को पूछते हैं, वो तो हिंदी फिल्में बनाते हैं, वो अंग्रेजी फिल्में तो बनाते नहीं। तो अगर आप पूरा जो कल्चरल लेक्सिकन है, जो कल्चरल इडियम है इस देश का, वो अभी भी हिंदी ही है। ये कहना कि भाई अंग्रेजी को महत्व देना गुलामी है वो भी गलत है, क्योंकि अंग्रेजी को कौन महत्व देता है? अंग्रेजी को महत्व तीन वर्ग के लोग देते हैं, एक तो गवर्नमेंट, और अगर आप अपने प्रधानमंत्री से हिंदी में बात करें तो वो आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे, वो भी अंग्रेजी में उत्तर देंगे। नंबर वन। नंबर टू, आप क्या पूरे साउथ इंडिया को अलग करना चाहते हैं कि भाई आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
लोगों को आपको इक्वली आम करना पड़ेगा, उनको ये शक्ति देनी पड़ेगी कि अंग्रेजी अगर उनको सिखाई जाए तो वो ग्लोबली कॉमर्स के ऑर्डर में कंपीट कर सकते हैं। एक मिनट, कई सारी बातें एक साथ ये कह रहे हैं, अंग्रेजी को महत्व ज्यादा देना कम देना नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी को उचित महत्व देना चाहिए, यानी कि वो क्या है, एक साधन मात्र है और उसको साधन के रूप में समझना चाहिए। इतना जी, आप इससे सहमत हैं? अंग्रेजी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारे देश में, अंग्रेजी बोलने वालों को इसलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है? देखिए, इसका हल्ला ज्यादा है, वरना अंग्रेजी वाला भी आजकल हिंदी बोले बिना रोटी नहीं कमा सकता। कोई ऐसा अंग्रेज का बच्चा हमने नहीं देखा जो हिंदुस्तान में व्यापार करने आ रहा हो और हिंदी बोलने से कतरा रहा हो। जो सोहेल सेठ साहब हैं, मैंने ज्यादातर प्रोग्राम में उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी फांकते और बोलते हुए देखा है, मगर आज वो हिंदी बोल रहे हैं। इसका मतलब मेरे लिए कोई निजी प्रसन्नता की बात नहीं है, मगर ये उनकी अपनी मजबूरी है कि हिंदी के प्रोग्राम में उनको हिंदी बोलनी पड़ रही और अच्छी बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी वालों से पूछो कि हिंदी तुम्हारी जरूरत क्यों बन गई है। विज्ञापन जगत की बात करें तो जितने भी विज्ञापन जगत के लोग हैं वो ज्यादातर काम अपना हिंदी में ही करते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, जो इन्होंने कहा मैं उसका एक मिनट उत्तर देना चाहता हूं। मुझे बहुत गर्व है अपनी अपनी मातृभाषा पे। मैं अपनी मातृभाषा इतनी बढ़िया तरीके से नहीं बोल पाता और उसका थोड़ा गम भी है, पर हां, जहां तक हिंदी बोलने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस पूरे देश में हिंदी या जो भी मातृभाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी हो, हमें उस भाषा को बोलने की अहमियत रखनी चाहिए। पर यह कहना कि इसलिए आप अंग्रेजी को अहमियत न दें, वो तो गलत है, वो इलॉजिकल है। पर आपको क्या लग रहा है कि ये बात सही कह रहे हैं कि अहमियत मिलनी चाहिए? मेरा तो कहना यह था कि आप अंग्रेजी वाले से कभी यह सवाल पूछिए कि हिंदी तेरी जरूरत क्यों है। हिंदी तेरी जरूरत इसलिए है कि तू हिंदी समाज से पैसा कमाना चाहता है। यानी जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनी हुई है इस वक्त, उसमें अंग्रेजी वाला भी हिंदी सीखने को परेशान है और हिंदी वाला अंग्रेजी के लिए परेशान है, और इसलिए एक प्रकार से द्विभाषिकता हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और इस नजर से कोई बुरा नहीं है। जी, मेरा ये कहना था। जी, इस सब में आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी की जगह जरूरत से ज्यादा है? अंग्रेजी की जगह जरूरत से ज्यादा हर वक्त होगी, क्योंकि अगर आप इंडिया की कंपेटेटिव एडवांटेज देखें, अब देखिए मुझे इस कंपेटेटिव एडवांटेज फ्रेज का हिंदी नहीं मालूम, पर अगर आप इंडिया की कंपेटेटिव एडवांटेज देखें, जब लोग इंडिया और चाइना का जिक्र करते हैं तो जो एडवांटेज इंडिया को दी जाती है वो यही है कि भाई इंडिया में लोग, भारत में लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये एक कंपेटेटिव एडवांटेज है हमारे सर्विसेज बिजनेस की जी, जो अभी हमारे जीडीपी का 55% है।